मतलब सुरमई से लेके पोमफ्रे से लेके मैकरल से लेके बॉम्बे डक से लेके झींगे से लेके सब कुछ एक प्लेट में, सो दैट ऑल योर क्रेविंग्स आर डन। ये कौन सी थाली दादा? पॉपुलर थाली, पोमफ्रे थाली। वाह जी वाह। ये जो रहता है ये मांस रहता है, इसको लोग खाते हैं। ये ओए होए होए देख रहे हो जी, ओए होए देख रहे हो, सॉफ्ट निकल रही है, ये देख रहे हो। यो यो यो, व्हाट्स अप पीपल। हाँ जी, पुणे फूड सीरीज इज ऑन एंड आई एम सिंपली एंजॉइंग इट। वन इज द वेदर, थोड़ा दिमाग कूल सा है, और दूसरी बात यह कि यहाँ पे जगह भी अच्छी खाने की, एंड आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू फूड। नदीम इज टेकिंग अस टू द राइट प्लेसेस। जिस जगह पे आज मैं हूँ, उस जगह को कहते हैं फिश ओ फिश। यहाँ का सीन पता क्या है, अंदर भी डाइन इन है, बाहर भी लोग बैठे हैं, एंड पीपल आर एंजॉइंग द फूड, मतलब सारे टेबल्स पैक्ड है। यहाँ के ओनर साहब फॉर्चुनेटली वॉचेज माई वीडियो, इट्स अ गुड थिंग दैट हेल्प्ड अस टू टेक द परमिशन टू रिकॉर्ड। कह रहे हम ना थाल देते हैं। ओके, पहले तो हम कह रहे हमने आपको सूखा मीट खिलाना है, सो कीप द साइड बिकॉज आई नो यू आर मटन लवर, तो आप सूखा मीट तो खाओ खाओ। इसके साथ साथ कह रहे हमारी सी फूड थाली इज जस्ट एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर, मतलब सुरमई से लेके पोमफ्रे से लेके मैकरल से लेके बॉम्बे डक से लेके झींगे से लेके सब कुछ एक प्लेट में, सो दैट ऑल योर क्रेविंग्स आर डन। इसके अलावा कह रहे हैं आपको वो खिलानी है हमने, जैसे मसल्स नहीं होते क्लैम्स के अंदर, होता है सी फूड होता है, क्या कहते हैं, तिसरिया, तिसरिया। नेवर ट्राई इट, दे से इट्स ओनली सोल्ड इन पुणे। सो दिस व्लॉग इज इंटरेस्टिंग, मिलते हैं थोड़ी गप्पे, थोड़ी शप्पे, थोड़ा प्यार, थोड़ा किचन, थोड़ा एंटरटेनमेंट और एक सच्चा रिव्यू। वीडियो के अंत तक बन रहे ना, पुणे सीरीज ऑन है, मजा आ रहा है, चले। नमस्कार दीपक भाई, कैसे हैं? नमस्ते। कैसे खाए? कैसे खाए? कैसे खाए? वेरी गुड दीपक भाई। बोला। बात हुई थी फ़ोन पे, सी फूड प्लेटर खाना है जिसमें सारी मछलियाँ हों। तो सी फूड स्पेशल थाली है हमारे पास, ठीक है, उसमें सुरमई आता है, सुरमई का स्लाइस पीस आता है, बोम्बिल रहता है, प्रॉन्स रहता है, प्रॉन्स की करी रहती है, बांगड़ा करी रहती है, प्रॉन्स की रोन, बांगड़ा मैकरल हो गई, बांगड़ा कारवार कर लेते हैं, और प्रॉन्स की भोजन कर लेते हैं, और चपाती आती है थाली में, नहीं तो भाकरी। वो मुझे अब अंदर दिखा देना किचन में, ठीक है। और जो दूसरी बात, साथ में सूखा मीट खाऊंगा। ओके ठीक है, चलें अंदर किचन में। ये कौन सी थाली दादा? पॉपुलर थाली, पोमफ्रे थाली। वाह जी वाह, डू यू सी दिस, वेरी वेल। भाई अंदर जाने से पहले ये क्या है? मांदेली फ्राई। ये क्या होता है? ये स्मॉल फिश एंचोवीज बोलते हैं, एंचोवीज है ये। अरे वाह, फ्राई करते हैं पूरा बैटर के साथ, वेरी गुड। एंटर करें गाइस। हाय ब्रदर, कैसे हो? मस्त, मजे में। ये माइक बना दूं आपको। अरे वाह, यहाँ क्या तैयार होता है दादा? ये अभी तीसरा तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है ये? तीसरा। अच्छा, वो जो कोदे शेलफिश, सिंपले सिंपले बोलते हैं उसको। अरे वाह गाइस, जस्ट लुक एट दिस। अच्छा, ये करी फॉर्म में भी देते हैं आप? ये करी नहीं, ये मसाला फॉर्म में है। वेरी गुड जी, सूखा मसाला ड्राई, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे क्या रोटी तवे की बनती है जी? हाँ, ये चावल की भाकरी बन रही है। अच्छा, अरे वाह, नमस्कार मैम, हेलो। कौन कौन सी रोटियाँ मिलती हैं यहाँ पे, किस चीज़ का आटा है? ये तो गेहूं का आटा है। अच्छा, गेहूं का चपाती बनेगा। हाँ, एक चावल की रोटी बनती है, उसको भाकरी बोलते हैं। ये चावल की रोटी है ना? चावल की रोटी है। हाँ। और एक ज्वार की भी बनती है। ज्वार भी खाते हैं लोग यहाँ पे? ज्वार भी खाते हैं, महाराष्ट्र में ज्वार और बाजरी सबसे ज्यादा खाते हैं। यस। अच्छा, और चावल की रोटी ये पूरे कोकण रीजन में सब जगह मिलती है आपको, फिश के साथ ज़्यादा करके लोग तो चावल की रोटी खाते हैं। ये तीसरा है, इसको सिंपले बोलते हैं, ये इसमें ये जो रहता है ये मांस रहता है, इसको लोग खाते हैं। तो ये बेसिकली मसल्स की तरह है? ये मसल्स की तरह है, क्लैम्स हो गए। हाँ, ये क्लैम्स हो गए। हाँ, क्लैम्स के अंदर जो मीट है, हाँ वो खाना है, ये खाना है। यस। अच्छा, अरे वाह, तो ये तो बड़ा गुई गुई से हो जाता होगा, पतला पतला सा, है ना? एकदम, थोड़ा कभी कभी कम कम उसका कुक हुआ तो च्यूवी हो जाता है। अच्छा, पर उसका पकाने का कुछ अलग तरीका है। अच्छा, तो उससे वो अच्छा सॉफ्ट लगता है, खाने में भी मजा आता है। अच्छा, ये जो है मैकरल, ये बांगड़ा है, ये पूरा मैरिनेटेड करके रखा है, तो पूरा मैकरल का पीस आता है। हाँ, ये पूरा मैकरल का पीस आता है। वेरी गुड। पोमफ्रे, ये पोमफ्रेड है, ये पोमफ्रेड है, बिल्कुल फ्रेश यूज करते हो? हाँ, इसको अभी इसको पूरा साफ करके लेंगे। कट कुट मारोगे इसमें? पूरा कट मारेंगे, पूरा विजय साफ करके लेना इसको। मैं आपको अभी मटन सूखा कैसे बनाता हूँ, काले मसाले में मटन सूखा कैसे बनता हूँ दिखाता हूँ। पहले थोड़ा सा तेल। एक बात बताओ, यहाँ पे मटन वगैरह कैसे, पोर्शन साइज क्या मिलता है, एक पीस, दो पीस, चार पीस, कैसे होता है?
ग्रामीज वाइज लेते हैं, 200 से 250 के बीच में हम पीस पे मटन लेते हैं। मटन जिसमें कितने पीस आते हैं? करीबन 6-7 पीस आते हैं उसमें। छोटे छोटे और मीडियम साइज के। अभी ये पैच का मसाला ऐड कर रहे हैं, जो बूंदा हुआ पैच है पूरा काला बना है उसको। ये बूंदा हुआ पैच है जो काला बना है पूरा पैच, वो ये काले मसाले के लिए ऐसे पैच बनाना पड़ता है। फिर इसमें काला मसाला पाउडर, काला मसाला जा रहा है। ये पूरा काला मसाला ये जो है ये बना रहता है पूरे खड़े मसाले से बना रहता है। तो पूरा मटन काला हुआ? पूरा हाँ मटन काला, उसका नाम ही मटन काला मसाला। अच्छा काला मटन मसाला, काला मटन जो काला कलर है वो स्टोन फ्लावर से आता है, दागड़ फूल जिसे कहते हैं। दागड़ फूल, दागड़ फूल। ये सारी रेसिपी किसकी है? हैं पूछ सकता हूँ आपसे? ये रेसिपी तो मेरे होम टाउन से है। अच्छा, अरे वाह। सो ये आपका सूखा मीट? ये सूखा तो महाराष्ट्र में सूखा मीट चलता है, मतलब ज्यादा सूखा मीट चलता है। हर एक थाली के साथ वो सूखा और करी दोनों एक साथ ही देते हैं। शक्ल बड़ी सुंदर लग रही है। नमक और ढेर सारा धनिया। एकदम टाकून दे लक्ष्मण, नंतर हालोत मसाला। हाँ यस। क्या मतलब है इसका? मैं बोला एकदम से डाल दे, नहीं तो वो डालते समय ऐसे थोड़ा सा हाथ ऐसे कर देना। अच्छा, अच्छा। वीडियो में दिखने को अच्छा नहीं दिखता है। तो लैंग्वेज बैरियर हो गया ना, माइक ऑन है आपका, लोग कहेंगे भाई क्या बात बोलिए डालते वक्त। ये कुछ लेने की जरूरत नहीं है, अब तो ले लिया है, ये तो डालना ही डालना। ये पोम्फ्रेड है। हाँ देखा है, मसाला लग गया इसमें। कितने टाइम पहले मैरिनेट करते हो दादा? एक करीबन 6-7 घंटे तुम्हें मैरिनेट करते हो। ठीक है, पता है वन थिंग अबाउट दिस किचन दैट आई वांट टू से, जेन्युइनली अब मानना मेरी बात को, नॉर्मली व्हेन आई गो टू रेस्टोरेंट्स या किचन ना जिनके सी फूड जो बेचते हैं, यहाँ ना मछली की खुशबू नहीं है, 0/0, कोई सी फूड की खुशबू नहीं आ रही, जबकि इतनी फिश है। एगड़ी फिश है ब्रो? ये जो है इसको चणक बोलते हैं, चणक, चणक जीताड़ा और खजूरा भी बोलते हैं उसका। खजूरा ये बहुत फेमस पीस है गोवा का, इसको लोग समझ गया, इसका बोनलेस करके लोग ज्यादा खाते हैं। ये वाली है ना? हाँ खजूरा, राइट। दादा यहाँ क्या कर रहे हो? गोवन करी। कौन सी? गोवन करी। गोवन करी, ये प्रॉन्स गोवन करी बन रहा है, ये नारियल के दूध से बनाया रहता है उसको। अच्छा, थोड़ा सा बेड़की मिर्च जाता है तीखापन के लिए, नारियल का दूध रहता है, थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट भी जाता है थोड़ा थिकनेस के लिए। अच्छा, और खट्टेपन के लिए इसमें कभी इमली डालते हैं, कोई लोग अमसुल, अमसुल अमसुल का खट्टापन उसमें लाते हैं कभी कभी। अमसुल बोले तो कोकम, या भी बॉम्बिल फ्राई बना रहे हैं अपन, बॉम्बे डक बोलते हैं उसको, उसमें नमक। सो सब कुछ उसी वक्त फ्रेश मैरिनेट होता है? हाँ सब, हर एक चीज जैसे ऑर्डर रहते वैसे मैरिनेशन करना चालू हो जाता है उसका। नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब मैरिनेशन होने के बाद अभी इसको ये बाजू में, अभी ये सूजी और चावल के आटे में ये बॉम्बे डक डाल के इसको पूरा कोटिंग करके देंगे, उससे बैटर बना देंगे, बैटर से उसको पूरा कोटिंग बना के लेंगे उसका। फिर अभी ये पूरा कोट होने के बाद उसको डीप फ्राई करके लेंगे। ये बांगड़ा करी बन रही है? ये बांगड़ा करी बन रही है, बांगड़ा कारवारी करी वो तो। सो ये जा रही है फिश जी, ये बॉम्बे डक अभी फ्राई होगा। और भी कुछ जाएगा? प्रॉन भी जाएंगे इसमें? नहीं, प्रॉन्स को बाद में। अच्छा, प्रॉन्स को बाद में फ्राई करोगे। ये हो गई, ये सुरमई है, इसको अभी अपन कोट कर रहे हैं सूजी और चावल के आटे से। अब इसके सूजी और चावल का आटा उसको ये बड़ा अच्छा किया आपने, बैटर पतला रहे। हाँ, बैटर पतला रहे, क्रिस्पीनेस आने के लिए उसको पूरा और जितना एक्स्ट्रा वो निकाल आएगी जब बैटर। प्रॉन्स, प्रॉन्स आ रहे हैं दादा। सब कुछ केले के पत्ते पे होता है? पूरा सब कुछ, उससे अपीयरेंस आता है हर एक प्रोडक्ट को, और स्पेशली सी फूड, स्पेशली सी फूड ज़्यादा। ये हो गया जी डन, ये बॉम्बे डक हो गया, मगर स्प्लिटिंग करूँ बॉम्बे डक से। प्रॉन भी डन, यहाँ पोम्फ्रे हो रही है और यहाँ पे जाएगी सुरमई। ओ गाइस पोम्फ्रे डन, यहाँ सी फूड थाली तैयार होगी। दादा ये क्या है? ये सोल कड़ी है। सोल कड़ी? हाँ, नारियल की बनी रहती है। और ये? ये तीवल है। क्या? अमसुल का पानी, तीवल बोलते हैं उसको। किसके साथ खाया जाता है? ये ऐसे पीने का। अच्छा, हाँ, डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। और यहाँ कॉन्डिमेंट्स में कैसे? ये सलाद है और ये सुकर चटनी है, ये दोनों भी नारियल की चटनी। ये सुरमई फ्राई है, उसके साथ ये बोंगल फ्राई है, ये बॉम्बे डक है, बॉम्बे डक बोलते हैं बॉम्बे। और ये प्रॉन्स का फ्राई है, प्रॉन्स रवा फ्राई, सब ये प्रॉन्स रवा फ्राई, बोंगल फ्राई और सुरमई रवा फ्राई। और उसके बाद ये है बांगड़ा की कारवारी करी, ये प्रॉन्स गोवन करी, और फाइनली आपकी राइस वाली रोटी, ये राइस की भाकरी है। हाँ। डन हो गया जी? हो गया, ये पूरा खाने पूरी थाली हो गई। थैंक यू दीपक भाई, मजा आ गया।
क्या मेहनती लोग आप सारे हैं। छोटा किचन काम बड़े बड़े थाली लगाई है, बहुत सुंदर लग रही है। ट्राई करें खाना, पहले मैं ट्राई करूंगा आज पम्फ्रे। शक्ल बात करिए, देखना इधर आना। ये प्लेटर का पार्ट नहीं है, अलग से प्लेटर में जो है वो आपको दिख रहा है। ये देखो जी, ये ओए होए होए, देख रहे हो जी, इज़ इट नाइस। ये देख रहे हो, थोड़ी चटनियाँ दोनों ली, ये लो जी थोड़ी चटनियाँ लगाई, हल्का सा नींबू पूरी फिश में स्क्वीज़ करते हैं, इंक्लूडिंग आर पार्ट जो हम खाने वाले हैं, ये लो जी। और ये है जी मच्छी हमारी, ट्राई करें। ऑलराइट, 3, 2, 1 सब्सक्राइब, लेट्स गो इन। स्किन ना क्रिस्प है, हाँ। Who would have thought Pune would act like Mumbai, Goa, जहाँ पे you get this good seafood. And to my surprise, Dadeem भाई जो कैमरा खड़े खड़े हैं, he told me the more of veg options in Pune, less of non-veg. Which makes me think, if less is this, it's good यार, कम है पर अच्छा है. I like the fish perfectly cooked, very soft from inside, crisp from outside. Masalas are balanced, nice. I like the condiments, both the chutneys are nice. In totality, it's good. It's not overly powering. Masalo se bhar nahi rakha. Jo masala hai, fish raya karte na shalo, usme log haldi, lal mirch, kadi patta, wo sab acha lagta hai, I'm not denying that. But ye waisi nahi hai. This is very simple, very nice. No acidity issues. Ye si hai. Raja ji, aaja. Mutton khate hain. Yahi se bread leta hu thal se. Ye inka ji sukha meat. Ise pehle boil kiya. Boil karne ka tumne masale dale isme. काला मसाला डाला, इसे काला मीट भी कहते हैं यहाँ पे। तो ये किसकी बात है, बड़ी गाढ़ी ग्रेवी है, ये देखो गिर नहीं रही, इतनी गाढ़ी है कि मैं हिला भी लूँ तो भी ये गिरे ना। सो ये रोटी के साथ ही खाया जाएगा। इसे कहते हैं चावल की रोटी, इसका टर्म यूज़ किया था, क्या था, बाखरी, चावल की बाखरी। अच्छा जी, एट फर्स्ट it turned out to be have a little bitter taste, but now I'm enjoying it. Mutton so soft, by one thing that you should know, very different. You know, people would love this. Ye rating dekha hai, pehli bite loge na, halka sa bitter taste. But post that, I know why, it grows on you, and it just did. I know it's very less time that it did, but trust me. And it's all about spices, huh, India na? Spices changes the whole dish, all together. Meat to same hi hota hai ki nahi ya? Aha. Haan ji, mujhe ye try karna hai yaar, ye na jo milk hai jis form se bana hai, ye hamare yahan chhach hoti hai to yahan chhach nahi, ye chalta hai. देखो ग्लास भर के दिया हुआ है, अच्छा जी, कोकोनट मिल्क, दिस इज द मोस्ट अनयूजुअल टेस्ट दैट आई हैव ट्राइड, बट यस इट इज, यू कुड से दैट इट्स नॉट छाछ इन टेस्ट, बट इट्स गोइंग टू क्लीन योर गट, थोड़ा साफ सुथरापन विल हेल्प यू इन डाइजेस्टिंग योर फूड जो अभी खा रहे हो मसालेदार। ये खट्टा खट्टा सा, ये वेरी टेस्टी। सो ये जो टेस्ट है ये ओरिजिनल कोकम का टेस्ट है, ऐसी रहती है। अच्छा जी, एनीवे, हाँ जी, झींगा, ये लो जी, ये झींगे का पीस है, खाया जाए इसको। ये देख रहे हो, इधर ये है छोटे छोटे प्रॉन से बना हुआ ना चटनी बनाई है, इसको बोलते हैं सुखट, सुंगट, छोटे छोटे प्रॉन के पीस, सुखट, देख रहे हो, मजा आ गया। ये है जी सुरमई का पीस, स्किन ऑन द साइड्स पूरी, कहीं तेल नहीं दिखेगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ, सुरमई दिल्ली में इतनी मशहूर है और यहाँ सुरमई का नाम सुनते ना स्माइल आ गई फेस पे। सुरमई इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, क्योंकि पसंद है तो है यार, देख रहे हो। ये हल्का सा नींबू ना, मैं हल्का सा, ये हल्का सा स्क्वीज मारा अपने पीस पे,
बाकी फिश पे है। सुरमई इज एन एवर ग्रीन फिश, यू नो व्हाई आई लाइक इट, फर्स्ट इट्स फुल ऑफ मीट एंड सेकेंडली सुरमई हैज लेस स्मेल कंपेयर टू मेनी मोर फिशेज दैट आई हैव ट्राइड। यहाँ तो चलो द मेकिंग शो की फ्रेश क्वालिटी, फ्रेश मैरिनेट, इनका आइडिया ये बिकने का कि सामान अच्छा देना है। आई लव इट, इट्स कुक टू परफेक्शन। ये है जी, अब मजा आएगा, बॉम्बे डक, ओह देख रहे हो सॉफ्ट निकल रही है, ये देख रहे हो, खाया जाए इसको। ऑलराइट, ये तो ऐसी फिश है कि मुंह में कहीं गायब हो गई। नो बोन्स नथिंग ना, आगे कहीं जैसे बोन्स रहते हैं। ये तो समझ ही नहीं आ रहा फिश का, ये तो गायब हो रही है मुंह से। वेरी डिफरेंट, दिस फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्राइंग, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फिश जिनको सॉफ्ट खाना पसंद है, पता नहीं चलेगा खाया कब गया क्या, ऐसा कुछ है। मज़ा आया बट ऑनेस्टली आई लाइक सुरमई मोर, दैट्स माय पर्सनल सिलेक्शन। हाँ जी, आ जाओ जी, गोवन प्रॉन करी ये लिया, ये और ये डिप किया, सिंपल गोवन करी, कोकोनट का फ्लेवर, इट्स नाइस। वन थिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट देम दैट दे आर नॉट पुटिंग टू मेनी मसालास, दैट दे ओवर पावरिंग इट, इट्स सिंपल नाइस करी, गोवन करी। आई वुड हैव वांटेड अ लिटिल बिगर पीस ऑफ प्रॉन, दैट आई हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट, बिकॉज इसमें प्रॉन आया गया पता नहीं चला, थोड़ा बड़ा पीस हो तो या प्रॉन के अगर मोड़े पीस हो ना, आई लाइक इट, ऑल्दो दे आर ऑल्सो राइट, करीज में छोटे प्रॉन चलते हैं, दैट्स वेरी नॉर्मल थिंग, बट फिर भी मेरे को यहाँ चाहिए था। और ये है जी मैकरल करी, ये लो जी, ये फ्राई फॉर्म में भी ले सकते हो आप, ये देख रहे हो जी, हाँ, दबा के ओमेगा 3 खा रहा हूँ मैं, मज़ा आ गया। आई लाइक दिस इन टोटैलिटी, सी दिस प्लेटर इज ओनली एंड ओनली फॉर सी फूड लवर, नीडलेस टू से, बट अगर आप सी फूड हल्का बहुत भी खाते हो ना तो ट्राई करना, शायद आपका ना टेस्ट बिल्ड हो जाए, आदत पड़ जाए खाने की, नॉट एवरी डे बट वंस इन अ वाइल में भी है कि नहीं है। जितना खाता खाता हूँ, खाना क्या सारे खाऊंगा। जगह का नाम है फिश ऑफ फिश, कॉलोनी का नाम क्या था, कोथरू बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन लोकेशन एड्रेस प्राइसिंग कॉन्टैक्ट सारी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे रोशिप और फेसबुक शो वहीं फॉलो करना, ठीक है, बाय बाय, सी यू।